हेलो दोस्तों, निर्मल भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज पुनः एक अगला वीडियो लेके आए हैं और ये यूरोप महाद्वीप का दूसरा पार्ट है। दोस्तों हमने कहा था कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम लोग इसको तीन या चार पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे, तो ये आज यूरोप महाद्वीप का दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों इससे पहले हमने यूरोप महाद्वीप का पहला पार्ट देखा था, उसमें हमने देखा था कौन कौन से देश हैं और मैप में उनकी स्थिति क्या है और वो किस लिए फेमस है, उनकी राजधानियाँ क्या हैं। ठीक, तो सेम वही कंडीशन इसमें भी हम देखेंगे कौन कौन से देश हैं, इनकी स्थिति क्या है, इनका मैप में इनकी लोकेशन क्या है और ये किस लिए महत्वपूर्ण हैं, किस लिए जाने जाते हैं, किस लिए फेमस हैं। तो लेकिन दोस्तों उससे पहले आप छोटा सा काम करना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक पे, आज कौन कौन देश हैं, उनकी राजधानी क्या क्या हैं। देख लेते हैं पोलैंड, पोलैंड की राजधानी है वारसा, पोलैंड वारसा। फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, फिनलैंड फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। इसके बाद है फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस राजधानी पेरिस। इसके बाद है बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, बुल्गारिया सोफिया। इसके बाद है बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। इसके बाद है बेलारूस, बेलारूस की राजधानी है मिस्क, बेलारूस बेलारूस राजधानी है मिस्क। इसके बाद है बोस्निया, बोस्निया की राजधानी है हर्जेगोविना। इसके बाद है बोस्निया, बोस्निया की राजधानी है हर्जेगोविना। इसके बाद है माल्टा, माल्टा की राजधानी है वैलेट्टा, माल्टा की राजधानी है वैलेट्टा। इसके बाद है मालडोवा, मालडोवा की राजधानी है चिसिनाऊ, मालडोवा मालडोवा की राजधानी है चिसिनाऊ। इसके बाद है मैसिडोनिया, मैसिडोनिया की राजधानी है स्कॉब्जे, मैसिडोनिया मैसिडोनिया की राजधानी है स्कॉब्जे। इसके बाद है मोनाको, इसके बाद है मोनाको, मोनाको राजधानी है मोनाको, मोनाको मोनाको राजधानी मोनाको है। इसके बाद है मॉन्टीनिग्रो, मॉन्टीनिग्रो की राजधानी है पोडगोरिका, मॉन्टीनिग्रो की राजधानी है पोडगोरिका। इसके बाद है यूक्रेन, यूक्रेन राजधानी है कीव, और यूक्रेन की राजधानी है कीव। इसके बाद है यूके, यूनाइटेड किंगडम इसकी राजधानी है लंदन, यूनाइटेड किंगडम इसकी राजधानी है लंदन। इसके बाद है रोमानिया, रोमानिया इसकी राजधानी है बुखारेस्ट। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये तो हो गया पूरा देश हो गया, उसकी राजधानियाँ हो गई। अगर मैप में हम इसकी इसका लोकेशन देखेंगे तो आप देख लीजिए ये यूरोप महाद्वीप का ये मैप बना हुआ है, और देख लेते हैं सबसे उत्तर में आप देख लीजिए ये देख रहे हैं आप बाल्टिक, बाल्टिक तट पर स्थित कौन सा तट है, कौन सा देश है, फिनलैंड देश है, ये फिनलैंड देश है। इसके बाद आप इधर देख लीजिए ये यूके, इसकी स्थिति है यूके, यूनाइटेड किंगडम ये है। इसके बाद आप देख लीजिए इधर पोलैंड, मध्य में, मध्य यूरोप में पोलैंड है। इसके बाद आप पश्चिमी यूरोप में देख लीजिए, पूर्वी यूरोप में देख लीजिए तो ये बेलारूस है पूर्वी यूरोप में। इसके बाद बेलारूस के नीचे आप देखेंगे तो यूक्रेन है। इसके बाद पोलैंड के नीचे आप देखेंगे दक्षिण साइड में तो वो रोमानिया है, उससे नीचे देखेंगे दक्षिण में तो बुल्गारिया है। इसके बाद है उसके पश्चिम में देखेंगे आप तो यहाँ मॉन्टीनिग्रो है, इसके पश्चिम में देखेंगे तो आप यहाँ फ्रांस है। तो ये जो है मैप के माध्यम से, आप मैप के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से जो है आपको समझ में आ जाएंगी। देख लेते हैं पोलैंड, पोलैंड जो है यह विस्तुला नदी पर स्थित है, पोलैंड जो है यह विस्तुला नदी पर स्थित है, पोलैंड विस्तुला नदी पर स्थित है, विस्तुला नदी पर स्थित है। यह है पोलैंड जो है यह रेल मार्ग का, पोलैंड रेल मार्ग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, रेल मार्ग का यह पोलैंड रेल मार्ग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, महत्वपूर्ण केंद्र है जहां रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है, जहां पे रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है, जहां पे रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है, रेशमी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है, जहां पे रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। इसके बाद है देख लेते हैं हम लोग फिनलैंड, यदि फिनलैंड को देखेंगे हम तो फिनलैंड, फिनलैंड जो है यह फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी,
यह राज हेलेंस्की जो है राजधानी तथा फिनलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है। यह राजधानी हेलेंस्की जो है राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर भी है, और उत्तर का श्वेत के शहर के नाम से जाना जाता है। उत्तर का श्वेत शहर के नाम से जाना जाता है, उत्तर का श्वेत शहर के नाम से जाना जाता है, श्वेत शहर के नाम से जाना जाता है। और यह हमने देखा था कि आइसलैंड, आइसलैंड जो है इसकी राजधानी रकजांबी, ये सबसे उत्तरतम राजधानी है। लेकिन अगर दूसरा सबसे अगर उत्तरतम देखेंगे तो दूसरा सबसे उत्तरतम राजधानी किसकी है, तो यह फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी जो है यह दूसरी सबसे उत्तरतम राजधानी है। यह दूसरी सबसे उत्तरतम राजधानी है, उत्तरतम, पहली रेगजाम्बिक और दूसरी ये हेलेंसी की जो है दूसरी उत्तरतम राजधानी है। यह यहाँ जो है यहाँ लकड़ी और समूर जो है लकड़ी और समूर के निर्यात करने का महत्वपूर्ण केंद्र है। समूर लकड़ी और समूर निर्यात करने का यह महत्वपूर्ण केंद्र है, महत्वपूर्ण केंद्र है, लकड़ी और समूर निर्यात करने का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके बाद है फ्रांस, इसके बाद है फ्रांस, देख लीजिए फ्रांस देख लेते हैं हम लोग। फ्रांस की राजधानी पेरिस, यह बहुत खूबसूरत शहर है फ्रांस, इसे सूर्य या सुंदरियों का देश भी कहा जाता है, फ्रांस को सूर्य या सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यह पेरिस यह सीन नदी के तट पर स्थित है, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस यह सीन नदी के तट पर स्थित है, सीन नदी के तट पर स्थित है, सीन नदी के तट पर अवस्थित है। यह राजधानी एवं यह पेरिस जो है यह राजधानी एवं सौंदर्य प्रसाधन, राजधानी एवं प्रसाधन सामग्री का प्रमुख केंद्र है, प्रसाधन सामग्री का प्रमुख केंद्र है राजधानी तथा प्रसाधन सामग्री का प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र है, यह प्रसाधन सामग्री का प्रमुख केंद्र है। और यहाँ इंजीनियरिंग उद्योग एवं द्वितीयक खनिज उत्पादन का केंद्र है, यह इंजीनियरिंग उद्योग एवं द्वितीयक खनिज, इंजीनियरिंग उद्योग एवं द्वितीयक खनिज उत्पादन का केंद्र है, द्वितीयक खनिज उत्पादन का उत्पादन का द्वितीय खनिज उत्पादन का यह केंद्र भी है, द्वितीय खनिज उत्पादन का यह केंद्र भी है। इसके बाद बाकी ये सब कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बुल्गारिया हो गया, बेल्जियम हो गया, बेलारूस हो गया, बोस्निया हो गया, माल्टा हो गया, माल्डोवा हो गया, मैसेडोनिया हो गया, मोनाको हो गया, मॉन्टीनिग्रो हो गया। इसके बाद यूक्रेन, यूक्रेन इसे अन्न का डलिया भी कहा जाता है, यूक्रेन को अगर आप देखेंगे तो यह अन्न का डलिया भी कहा जाता है यूरोप का, यूक्रेन को अन्न का डलिया भी कहा जाता है, अन्न का डलिया भी कहा जाता है। अब देखेंगे ये देखिए यूक्रेन की स्थिति यही है, काफ़ी क्षेत्रफल भी इसके पास है। इसके बाद है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम राजधानी लंदन, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, यह सब संसार का सबसे बड़ा, लंदन जो है संसार का सबसे बड़ा औद्योगिक और निर्यातक देशों में से एक है, औद्योगिक और निर्यातक देशों में से एक है लंदन जो है।
यह संसार के सबसे बड़े लंदन संसार के सबसे बड़े औद्योगिक एवं निर्यातक देशों में से एक है। यह यूनाइटेड किंगडम लंदन जो है यह संसार के सबसे बड़े देशों एवं औद्योगिक तथा निर्यातक देशों में से एक है। तो मुझे लगता है दोस्तों अब हमारी बातें कंप्लीट हो गई और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।